नमस्कार, मैं हूं तोरण और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। नागपुर कांग्रेस पार्टी की तरफ से गरीब लोगों को इस लॉकडाउन के चलते कुछ मदद मिल सके और उनको आधार मिले, इसलिए डॉक्टर नितिन राउत से गुजारिश की और किट वाटप का कार्यक्रम किया गया। और यह किट वाटप का कार्यक्रम यादव नगर रमाई बोधविहार में किया गया था और उसमें 150 किट वाटप किए गए। हर साल की तरह इस साल भी कार्यक्रम हुआ। कुणाल राउत और आकांक्षा राउत ने इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। साथ ही कुणाल राउत ने अपंग महिलाओं को व्हीलचेयर देने का भी बोला है और साथ ही वो ये भी कोशिश करेंगे कि सबको फ्री वैक्सीन मिल सके। आप गाड़ी दे सकते, दुकान मिल सकती है आपको, सब कुछ मिल सकती है, लेकिन उसके लिए पत्र अगर परेशानी होगी तो मैं हूँ आपके साथ। वो आपको मालूम है, आपको कुछ अगर जैसे व्हील चेयर चाहिए या आपको कुछ दुकान वगैरह चाहिए तो दिव्यांग लोगों के लिए स्पेशली देते हैं। और हमारे दिनेश यादव भी नगर से, वो भी एक अपंग है और उसके वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं। विजेता है, विजेता ही है, चेयर मिल सकती है। 12 नंबर मोहम्मद इम्तियाज अंसारी, मुस्लिम होते हुए एक हिंदू माँ बेटी को 16 साल से इनका सहयोग रहा है। तो एक बात बताइए साई जी, जैसा कि आज के दौर में जो नफरत के सौदागर नफरत फैला रहे हैं और उसके बावजूद भी देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान का रूप लेकर सामने उतरते हैं और जो प्यार और मोहब्बत ही बांटते हैं, मोहब्बत ही परोसते हैं, तो आप इन नफरत के सौदागरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे कि आप देखिए, आपका नाम क्या है दीदी? पूर्णिमा कोठारी। आप कितने साल से रह रहे हैं इनके पास? 16 साल। क्या नाम है इनका? मुनीर खान। तो आप 16 साल से इनके पास रह रहे हैं? तो आपकी पूरी सेवा देखभाल यही करते हैं? आपको कुछ दवा वगैरह का कुछ तकलीफ रहती है तो दवा पानी दवाना सब पूरा करते हैं? आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं है? बाकी आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो दुनिया के अंदर नफरत फैला रहे हैं? उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे फसाद करवा रहे हैं? मैं तो इतने मैसेज दूं कि हम सब भाई भाई हैं और मेरे तो मौजूद है कि मैं मुस्लिम के वहाँ हिंदू पल रही और मैं उससे ज़्यादा और क्या बोल सकती हूँ। मैं जब उनके वहाँ ही रह रही हूँ तो उससे और ज़्यादा से 16 साल से मैं रह रही हूँ तो और उतना मैसेज दूँ, तो सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए आपके बारे में, आप उन लोगों के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो नफरत फैला रहे हैं? जो आजकल लोग नफरत फैला रहे हैं ये नहीं सोच रहे। आपका नाम बताइए सबसे। मेरा नाम है मुनीर खान, मैं यादव नगर में रह रहा हूँ और मैं किरायेदार के तौर पर ही रह रहा हूँ, लेकिन ये जो बाजी है मुझे आज कई सालों से अपने भाई मानती थी, लेकिन आज उनका जब पूरा वक्त आया था तो 16 साल पहले मैंने खुद बम्बई से उनको अपने घर लाया था। ये मेरी बड़ी बहन है, मेरे तो परिवार में कोई भी नहीं था लेकिन ये एक बड़ी बहन थी और इनके मम्मी से वो मैं पप्पू जान करके बोलता था उनको, जब से मेरे पास ही थी और इनकी जो देख रेख करना था तो मेरे बीवी ने पहले ही बताई। आज मेरे सास ससुरे नहीं है लेकिन यही मेरी सास है, यही मेरी सगी ननद है, उनको अपने पास आपको भाई मानती थी, अपन एक भाई का फर्ज पूरा अदा करेंगे, जब से ये मेरे साथ में ही है। और मैं चाहूँगा कि मर के कोई साथ में लेके नहीं जाने वाले, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी समझ कर रहे, लेकिन ये दंगा पैसा ये नफरत सब खत्म करो, एक दिन ये मट्टी में ही जाना है। जब कोरोना काल के अंदर हिंदू मरा तो मुसलमान दौड़ा और मुसलमान मरा तो हिंदू दौड़ा उसके मदद के लिए, तो भाई आज यही चाहूँगा मैं, जिंदगी में नफरत मत फैलाओ, सब एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ो और एक दूसरे की मदद करते रहो, और यही कहना है मेरा। सभी लोगों ने यही देखना चाहिए कि हम भाई बहन, किसी का खून अगर मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो जो भी है, उन लोग का खून सब लाल ही होता है, हर एक का हाथ काटो खून जो निकलेगा लाल ही होगा। जब खून का एक रंग है, पानी का एक रंग है, हम पीते एक ही है, खाते एक ही चीज़ है, लेकिन इसमें भी हम लोग नफरत अगर पैदा करेंगे तो सब एक दूसरे को मार काट के ही डालेंगे। मरने कटने से तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, उससे अच्छा है मिलजुल के रहो, प्यार बढ़ाओ तो ज़्यादा अच्छे से रह सकेंगे और हमारे बच्चे भी आगे की दुनिया देख सकेंगे और हम भी खुशहाली से जीवन। नहीं, मैं आज आपके यहाँ इस मंच से एक ही चीज़ आह्वान करना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन लेना बहुत जरूरी है। आप सबने
कोशिश करना चाहिए कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन ले लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि दूसरा कोई शहर देखो या दूसरी जो कंट्री देखो, इसराइल ने फ्री मास्क बोल दिया, फ्री मास्क यानी मास्क बिना मास्क के आप घूम सकते हो, तो उधर की जनता ने 80% जनता ने वैक्सीनेशन लिए तब वो फ्री मास्क हुए। आपको अगर कुछ कठिनाई आ रही होंगी वैक्सीनेशन के लिए तो आप हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे गाइड कर सकते हैं। दोस्तों आज ये किट वाटप का इसलिए ये कार्यक्रम था क्योंकि हमने देखा कि पिछले एक डेढ़ महीने से यहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, कोई काम धंधे में नहीं था, कोई किधर जा नहीं रहा था, उसको कुछ रोजगार का परेशानी थी, तो माननीय मंत्री महोदय पालक मंत्री महोदय डॉक्टर नितिन राउत साहब जी ने कहा कि यहाँ पे आज हमारे जो जनता है वो मेरे ख्याल से भूखी होंगी, यहाँ पे जो डेली वेजेस के लोग रहते हैं उनको आज रोजगार नहीं है, इसके लिए हमने ये किट वाटप का कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तुत किया और आपके आशीर्वाद से पूरे नागपुर शहर में उत्तर नागपुर में हम किट वाटप का कार्यक्रम कंटिन्यू करेंगे।